हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। आज हम बनाएंगे पनीर के पकोड़े, और वो भी एक अलग स्टाइल में, जैसे मिर्ची, अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ, और इसी के साथ घर की बनी हुई इमली की चटनी। और इसका भी मैंने रेसिपी अपनी वीडियोस में डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बड़ा बाउल मैंने बेसन का लिया है, जिसे पहले ही मैंने छान कर रखा हुआ था। उसी के साथ थोड़ी सी हल्दी, पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे 1/4 ले लीजिए, और थोड़ा सा ही नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, और इसका बहुत ज़्यादा पतला ना गाढ़ा, एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। अगर आप गाढ़ा घोल रखेंगे तो पनीर की जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, तो वैसा पनीर का पकौड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। तो ये जो घोल है, आप ये प्रॉपर देखिए कि कौन सी कंसिस्टेंसी में रखना है। तो आप वैसे ही अगर बनाएंगे तो आपके बिल्कुल मार्केट जैसे जो पनीर के पकौड़े हैं वो बनेंगे। देखिए, इसमें एक भी लम्स नहीं है, इसे बिल्कुल लम्प फ्री बनाना है हमें। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि ये बेस है। अगर ये मोटा या ज़्यादा पतला बन गया तो जो हमारे पनीर के पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। अब मैंने स्लाइसेस में पनीर को काटा हुआ है, और उसी के साथ वो पेस्ट, लहसुन अदरक और मिर्ची का मैंने पेस्ट लिया है, और इसे बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं काटा है। अब हम इसे दो स्लाइसेस के बीच में लगा देंगे, और इसे हम बेसन के घोल में अच्छे से मिक्स करके इसे पैन में डाल देंगे। जो मैंने तेल है पहले से ही गर्म करना रखा हुआ था, मीडियम फ्लेम ही हम इसे पकाएंगे, हाई फ्लेम पर हम इसे नहीं पकाएंगे। अब मैंने ऐसे ही स्लाइसेस पनीर के जो काटे हुए थे उसमें पेस्ट लगा कर, और इसमें मैं रखना शुरू कर देती हूँ। अब हम इसे पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे, और बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना। धीरे से हमें इसे हिलाना है और इसे पलटना है। ये जो मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है पनीर के पकौड़ों में। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। बट हमें पनीर को अंदर से बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वो सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। अब एक से दो मिनट और पकाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, पनीर के पकौड़े बिल्कुल बन चुके हैं। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे, और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना डिलीशियस बना है। और ये जो मैंने इमली की चटनी यूज़ की है, ये मैंने घर पर ही बनाई है, और इसकी रेसिपी भी वीडियोस में है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी चेक कर लेना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप भी बनाइए, झटपट से बन जाते हैं, और मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।